एंड चित्रांगदा जी, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कई जगह पर इंटरव्यू दिया, इसलिए मैं भी इसलिए आया हूँ। आपको नहीं लगता कि जो बाबू मूसा टूडू आज के जो डायरेक्टर हैं उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए आपको, क्योंकि जिस तरह से जी आपने भी बताया जी कि गलत हुआ, गलत एक्चुअल में हुआ, तो आपको नहीं लगता कि एक्शन लिया जाए? सी, लीगल एक्शन मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती, और ऐसा मेरा कोई असल में कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो गलत हुई, जब मुझसे पूछा गया, और क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कोई और कहानी जाके मीडिया को सुनाई थी, 2016 की बात कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मुझे आगे आकर अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ा उस समय। एंड आई थिंक अभी क्योंकि ये मूवमेंट शुरू हुआ है तो फिर से वो बात उठ गई थी, तो इसलिए मैंने फिर से एक्सप्लेन किया। लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट केसेस हुए हैं लोगों के, यू नो, मुझसे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, यू नो, गर्ल्स को। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से, और मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं होना चाहिए सबके साथ, लेकिन व्हाट आई एम स्टार्टिंग टू फील ऑफ व्हाट आई एम रीडिंग इज दैट आई थिंक हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बहुत ही ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से इस मूवमेंट को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन होती है जब आप कंसेंट की बात करते हैं या आप सबमिशन की बात करते हैं, तो कहाँ वो फोर्सफुल था, कहाँ वो नहीं था, कहाँ वो अपने आप एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग थी, यू नो, वट एवर इट इज़, आई थिंक हमको एक बहुत ऑनेस्टली उस चीज़ को देखना पड़ेगा, एंड इसको हम किसी तरह से अब्यूज़ ना करें। आई मीन, आई जस्ट होप, एंड दैट्स हाउ आई थिंक द मूवमेंट विल रिमेन अलाइव, यू नो। करेक्टिव मेजर्स जो लिए जा रहे हैं वो ठीक हैं? यू नो, आई एम सो हैप्पी वो करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक वी आर ऑल ट्राइंग टू बी राइट। एक मतलब इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी कि ऐसे चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, जहाँ पे सच का साथ दिया जा रहा है या सही का साथ दिया जा रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। या जैसे ऐड करना था मुझे, एक सेकंड, कंटिन्यूटी टूट जाती है। मिस्टर अक्षय कुमार कमिंग अप, मिस्टर आमिर खान कमिंग अप, दे आर टेकिंग अ स्टैंड, एंड प्रॉब्ली जहाँ तक हमें मालूम करना, समवन डिडंट टुक अ स्टैंड फॉर यू, सो ये चीज़ें अब ठीक हो रही हैं, आपको इसकी वजह पर आप कैसे बोलेंगे? यू नो, आई डोंट वांट टू ब्लेम नवाज़ एंटायरली, मैं उसको मतलब मैं उनको इतना ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, समटाइम्स उनको शायद पता नहीं था कि शायद मुझे कितना बुरा लगा या कितना ख़राब लगा, हो सकता है उनके अपने कोई रीजंस हों, सो आई एम नॉट पॉइंटिंग अ फिंगर एट हिम, बट आई वाज ओनली सेइंग, जब मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया तो मैंने सिर्फ, उन्होंने मुझे पूछा और कौन था सेट पे, तो आई सेड नवाज़ भी थे एंड बाकी सब बहुत लोग थे, सो दे सेड, उन्होंने कुछ कहा, आई सेड सी ही डिडंट से मच एट दैट पॉइंट, दैट्स ऑल, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, यू नो, आई मीन वो उनका अपना डिसीजन है, बट ऑल आई एम सेइंग राइट नाउ इज दैट जैसे आमिर खान एंड अक्षय एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर कमिंग, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब इम्पॉर्टेंट लोग एंड पावरफुल लोग दे टेक अ स्टैंड, तो वो एक तरह से एग्जाम्पल बनता है फॉर सोसाइटी, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। या Today I was about to ask you that, do you think more people from the film industry should be speaking up about it? Like, yeah, yes, Aamir has spoken, yes, Hrithik has spoken, but also they have spoken only because their film was kind of in, like, related, you know, to it. But apart from them, there are a lot of people who still haven't spoken. Do you think, and plus, like, talent management agency, like, WON is also in, like, it's in talks now for this particular, these cases. Do you think more people should come out, which will help this movement eventually? I honestly, मुझको ऐसा लगता है कि already बहुत लोग support कर रहे हैं, हर चेंज को और सपोर्ट को थोड़ा टाइम लगता है गैदर होने में, सो आई मीन आई डोंट थिंक वी शुड फोर्स पीपल टू जॉइन इट, दे शुड वांट टू जॉइन इट, ऐसा नहीं है कि शेमिंग होनी चाहिए कि आप जॉइन नहीं कर रहे हो मूवमेंट, उनके अपने रीजंस होने चाहिए, ओनली देन विल दे, इफ दे जेन्युइनली फील फॉर द चेंज या मूवमेंट या मीटू के लिए, तब वो आके ज्वाइन करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, दे शुड हैव अ रीज़न टू जॉइन इट। अभी तक शायद उनको नई रीजंस मिले हैं या अभी तक वो कन्विंस नहीं हुए, विच इज़ ओके, एंड आई डोंट वांट टू जज पीपल एट ऑल, यू नो, आई थिंक दैट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपने क्यों नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी एट ऑल। हम कंक्लूड ही करें, क्लाइमेक्स अच्छा होना चाहिए। आप अच्छा कर लोगे फिल्म में, एक हफ्ता भी नहीं रह गया अब आपके। आई नो,
थोड़ी टेंशन हो रही है अभी. हो रहा है जी. एंड एक्साइटमेंट ऑल्सो. एक्साइटमेंट ऑल्सो. आई एम रियली होपिंग, क्योंकि एक अलग तरह की फिल्म है और यू नो इट्स नॉट अ रेगुलर स्टोरी. ऐसा नहीं कि रेगुलर लव स्टोरी है. काफ़ी एजी है, थ्रिलर है, स्टॉक मार्केट के बारे में है. सो आई होप द यंग पीपल लाइक इट एंड यू नो पीपल गो एंड वॉच द फिल्म. और आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं प्रमोशंस के लिए इसके. जी वो प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं तो हम करते हैं. एंड आई फील एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो लाइक, क्योंकि मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस करी है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत जाती है एंड वो जितना आपसे करवाते हैं आई थिंक वो ज़रूरी है टू गो एंड प्रमोट द फिल्म. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. या एंड प्रॉब्लम आज आपने यहाँ का सबका दिन अच्छा बनाया. अष्टमी का दिन था. थैंक यू सो मच. दर्शकों को अष्टमी की शुभकामनाएं दीजिए. जी बिल्कुल. शुभकामनाएं जरूर लगती हैं पता है. नहीं, मैं सभी दर्शकों को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. आई होप यू हैव अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ ग्रीन दिवाली. एंड मतलब प्लीज़ जाके ज़्यादा पटाखे ना जलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, सब बीमार हो जाते हैं दिवाली के बाद. सो हैव अ ग्रेट वन एंड या हैव अ ब्लेस्ड वन. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.